छोटे इधर आओ। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? मलवा फलवा ये उठाते हैं सामान। कितनी उम्र बेटा आपकी? 15 साल है। 15 तो नहीं लग रही है, आपकी उम्र लग रही है 5-6 साल। स्कूल गए हो आप कभी? स्कूल कौन से स्कूल में? सरकारी। सरकारी स्कूल में? अभी नहीं जाते। आपके भाई बहन है? कितने भाई बहन है? 6। और घर कहाँ है आपका? इस महल के पीछे। इस महल के पीछे? अच्छा, जो पीछे छोटे छोटे घर बने हुए हैं आ रहे थे आप। तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाओगे हमें? हाँ, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, हम उनसे बात कर लेंगे। क्योंकि देखो, इतने तपते रोड पे कोई व्हीकल तुम्हें उड़ा दे तो बता, तुम नंगे पैर वैसे चल लो, चप्पल भी नहीं है ना तुम्हारे पास। आपको आपके घर छोड़ दें गाड़ी में, अपने आप चल जाओ। ठीक है, जाओ। सो गाइस, आई डोंट थिंक सो कि ये हमें अपने घर ले जा पाएगा, बिकॉज काफी डरा हुआ है और ये नहीं चाहता कि मैं इनके पेरेंट्स से मिलूं। बट हम फॉलो करेंगे इन्हें पीछे से और देखेंगे कि इनका घर कहाँ है, इनके पेरेंट्स से बात करेंगे। Let's see, हम क्या मदद कर पाते इस बच्चे की और इस परिवार की। चलिए, हम आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। मतलब कोई मजबूरी नहीं होगी जिसकी वजह से बेचारा रोड पे हमने देखा इसको, बेचारा नंगे पैर चल रहा था और काफी सारा इसके हाथ में वो था मलबा। देखो बच्चा बच्चा 4-5 कमजोरी है, गरीब आदमी यहाँ कमाई रहे डरे। अब जब बच्चा आए हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं, जो भटकने चले जाते हैं, 10-5 रुपया मिल जाते हैं, दुकान डलिया खा लेते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 6-7 बच्चे। और आप क्या काम करते हो? हम जाब मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री? तो सारे बच्चे ऐसे ही रोड पे ही इनका मतलब ये अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, पहले स्कूल में जाते थे बच्चे? स्कूल में पहले गांव में जाते थे, यहां पर कहां स्कूल है। अभी लॉकडाउन के बाद स्कूल फिर से खुल जाएंगे तब बच्चे क्या करेंगे? पढ़ेंगे जाएंगे फिर अच्छी बात है। तब तक ऐसी हम क्या ऐसी मदद कर सकते हैं आपके परिवार की जिससे इन बच्चों को दोबारा ऐसे रोड पे ना मांगना पड़े? कुछ ऐसी मदद हो सकती है? किसी बच्चे की चप्पल नहीं दिख रही हमें, एक तो चप्पलें ले आते हैं सब बच्चों की। ठीक है, चप्पलें हो जाएंगी और भाई एक जोड़ी कपड़ा हो जाएगा सारे बच्चों का। ठीक है, कपड़ा और इनके किताबें आपके पास? बेटा क्या नाम है आपका? आपकी स्कूल की आगे पढ़ाई भी हम कराएंगे, कोई चिंता मत करो इस चीज की। ठीक है, पढ़ाई की, किताबों की, फीस की जितनी भी जिम्मेदारी हम लेंगे। ठीक है, आप बात तो कर लो हमसे एक बार। अब तो मैं तुम्हारे घर पे बैठा हूँ, क्यों डर रहे हो उनसे? तो मुझे बस वादा चाहिए आप लोगों से, इनकी पढ़ाई लिखाई की दिक्कत मत करो, जैसे स्कूल खुलेंगे ना इनकी फीस वीस जो लगेगी वो हमारे अपना नंबर ले जाएंगे आप लोगों को, इनकी फीस का पढ़ाई या किताबों का जो खर्चा रहेगा हम लोग देंगे। आप लोग तब तक इनको रोड पे भेजोगे क्योंकि रोड पे रिस्क है। हाथ दो मिनट वादा लो। क्या नहीं जाएंगे आज के अलावा? बिल्कुल नहीं जाएंगे, रोड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए? ना आज चप्पल जूते ले आते हैं, एक जोड़ी कपड़े जाते हैं। Thank you.
सोने के ठाणो कब देगा? कैसा लग रहा है कपड़ों में? इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आप नंगे पैर घूमते हो, पांव खराब हो जाएंगे आपके। ये आपके लिए, अरे गल रख दिया, सबको लिए, सबके लिए लेके आए लोग, ठीक है? ये घर पे नहीं रहते तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाने, पेंसिल पेन रबड़ सब होगा, ठीक है? ये आपके लिए, सबके लिए। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, बाय। हेलो गाइस, मैं हूं पंकज राठी, आपका होस्ट। एंड एक बात बतानी आप लोगों को कि मेरी आई सर्जरी हुई है और अभी मैं रिकवरी मोड पे हूं। आई होप आप लोग दुआ करेंगे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और द सेकंड थिंग इज कि अभी आगे की सारी वीडियोस में आप मेरी टीम को देखोगे, आप लोग प्लीज उन्हें भी उतना ही प्यार देना जितना आप मुझे प्यार देते हैं, बिकॉज वो लोग भी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और बच्चे के बारे में बात करते हैं, गोविंद को ढूंढने में लगे हमें एक दो दिन, उस दिन तो वो पता नहीं कहां एकदम से गायब हो गया। अभी जाके गोविंद के परिवार से मिलके हमें रियलाइज हुआ कि आई थिंक अब वो उन्हें रोड तक नहीं भेजेंगे। आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो अभी घर से या तो मजबूरी में या कैसे भी निकल के एक तरीके से बाल मजदूरी कर रहे हैं, तो प्लीज गो टू देयर पेरेंट्स एंड अवेयर देम कि ये चीज बहुत गलत जा रही है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। एंड हम लोग इतना सा इनपुट तो कर ही सकते हैं, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग अवेयर हो पाए इस चीज से, और हमारे काम को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी अमाउंट से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, वहां से आप डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।